विधायक आकाश अग्रवाल के नेतृत्व में आज वित्त विहीन स्कूलों के हितों के लिए, छात्रों के हितों के लिए आज एक ज्ञापन ये संयुक्त निर्देशक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पचकुइयां पर दिया गया है। मेरे साथ में तमाम स्कूल के संचालक हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं। किस तरह की मांगे हैं आप? जी, मैं सचिन शर्मा, जिलाध्यक्ष ऑल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से। आज माननीय MLC श्री आकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में सभी संगठनों ने मिलकर आज ज्ञापन दिया। इस कोरोना काल में विद्यालय लगभग 2 सेशन हमारे बंद से हो गए हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं, कोई शिक्षक सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। आज हमारे माननीय MLC साहब ने यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक जी को ज्ञापन दिया है कि स्कूलों को खोला जाए और जल्द से शिक्षण कार्य स्टार्ट हो। कितना फर्क पड़ने वाला है शिक्षा पर और शिक्षकों पर और खास करके जो स्कूल हैं उन पर? देखिए, आज जो है हमने संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में हमारे MLC डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी के माध्यम से सभी संगठनों ने संगठित होकर जो है एक मत होकर जो है उनको आह्वान किया है कि हमारे जो विभिन्न विद्यालय हैं या जो भी विद्यालय हैं वो उन्होंने बंद करा दिए गए हैं कि कोरोना के बाद जैसे, लेकिन उसके बाद से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से कुछ भी नहीं है। 80% जो बच्चा होता है UP बोर्ड का जो होता है उसकी दयनीय स्थिति ऐसी होती है कि वो एक छोटा सा फ़ोन जो सेल फोन होता है वो भी नहीं रखता है, तो ऑनलाइन के लिए बड़ा फ़ोन कैसे रखता जो है। उसके बाद जो ऑनलाइन की शिक्षा जो होती है वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से CBSE बोर्ड वन के ICSE बोर्ड उसमें तो चल सकती है, लेकिन UP बोर्ड के विद्यालयों में ये जो ऑनलाइन पढ़ाई जो है नहीं हो पाती है। पिछले गत वर्ष भी सेशन शून्य हो गया, इस वर्ष भी जो पूरा सेशन है वो शून्य हो गया। लास्ट अभी 2 मार्च को शासन ने जो है उसको खोला था, लेकिन खोलते खोलते भी उसको जो है तुरंत 26 तक बंद कर दिया यार 20-25 दिन में। क्या इनको ऐसा लगा कि क्या वायरस जो होता है कोरोना होता है केवल बच्चों के उसी से जिसको भी देखता है सिविल के विद्यालय को बंद कर दिया जाए? विद्यालय को बंद करने में कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो देखिए इन बच्चों का भविष्य का ज़्यादा है, ये बच्चों का भविष्य तो बिगड़ रहा है। क्या ये घर पर रह के पढ़ सकते हैं? क्या जो बच्चा आपने जो है कोरोना से करके घर विद्यालय बंद कर दिए, क्या वे बच्चा बैठ रहा घर पर? नहीं बैठ। आपसे जानना चाहूँगा, पिछले वर्ष का जो सेशन था वो शून्य रहा, अब क्या स्थिति बनने जा रही है? क्योंकि सरकार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, कोविड के तमाम ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ने वाला है वित्तविहीन स्कूलों पर और खास करके छात्रों के भविष्य? देखिए साहब, विगत 13 महीने हो गए विद्यालयों को बंद हुए और 13 महीने में बच्चे तो यही भूल गए हैं कि हम किसी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल होता क्या है, उनको स्कूल की परिभाषा ही नहीं याद रही है। और सरकार की पूर्ण रूप से मंशा ये है कि ये वित्तविहीन स्कूल के जो शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, इनको रोड पर ले आया जाए। और गवर्नमेंट ने 2020 में जब MLC के चुनाव चल रहे थे, चुनाव से 1 महीने पूर्व आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये संदेश आया था कि सभी शिक्षकों को कोरोना के समय में आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन किसी भी शिक्षक को 1 रुपये की आर्थिक मदद नहीं दी गई है। तो जो मुख्यमंत्री केवल वादा करना जानते हैं तो फिर जनता भी बहुत कुछ जानती है। 2020 में जनता अपना वादा, 2022 में जनता भी अपना दिखा देगी। और ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जिसके संपर्क में कम से कम 5 वोट नहीं रहते हों, उसके घर के, उसके परिवार के, और 5 लोग शिक्षक के पास कम से कम रहते ही हैं। 5 वोट डलवाने की ताकत एक शिक्षक रखता है और हमारे करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं। 2.5 लाख का 5 में गुणा कर लीजिए तो मुख्यमंत्री जी की ना तो कुर्सी रहेगी और ना मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई अलग ही चेहरा दिखाई दे। बात तो बहुत बढ़ती जा रही है, क्या लगता है शिक्षक जो हैं इसी तरीके से फिर गुणा करने वाले हैं 2022 में? देखिए साहब, शिक्षक त्राही त्राही कर रहा है, कोरोना का केवल बहाना है। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ कोई कोरोना नहीं होता, किसी तरह की कोई भी बड़ी बड़ी सभाओं को आप देख लीजिए, ना तो नेता ना कोई इनके कार्यकर्ता, रैलियों में आप देखिए तमाम लोग उठते हैं, केवल शिक्षकों का भविष्य इन्होंने दाव पर लगा दिया है। इसी हिसाब से बच्चों का भविष्य भी इन्होंने दाव पर लगा दिया है। ये शिक्षा व्यवस्था को तोड़ मोड़ना चाहते हैं और नई शिक्षा नीति के नाम पर केवल लोगों को गुमराह करना और ज़बरदस्ती उन पर थोपना चाहते हैं।
इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दो कि ये सारा कुछ पाठन पठन भूल जाएं और हमारे जैसे अनपढ़ लोग जो बन जाएंगे, पढ़े लिखे समाज में लोग कम हो जाएंगे, तो जैसे हम चाहेंगे उसी तरह से देश चलेगा, यही इस सरकार की मंशा है। ये शिक्षकों का उत्पीड़न करने पर, वित्तहीन विद्यालयों का उत्पीड़न करने पर उतर आई है और उनको बर्बाद करके ही दम लेगी। लेकिन 2022 में 2022 हमारी होगी, हमने भी ये सोच लिया है कि सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, वित्तविहीनों को सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी कर देंगे कि वित्तविहीन खुद बंद हो जाए। क्या लगता है ये सरकार? बिल्कुल, सरकार की ये नीति है। इन सबसे हटके एक पहलू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ITR के थ्रू जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, जिनको हर साल गवर्नमेंट पैसा विद्यालय वालों को देती थी, गवर्नमेंट इस बार पैसा आया और पैसा वापस भी हो गया, किसी भी स्कूल वाले को नहीं मिला। दूसरी चीज, ये योजना जो गरीब बच्चों की थी 2011-12 से चल रही है, तो उसमें योजना में ये था कि गरीब बच्चों को किताबें फ्री और ड्रेस के पैसे गवर्नमेंट देगी, प्लस जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी फीस गवर्नमेंट देगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और 9 साल से किसी भी बच्चे को जो गार्जियंस के खाते में जो पैसा जाना चाहिए वो भी नहीं आया 9 साल से। जो वित्तविहीन यहाँ से आगे कैसे कैसे जवाब कैसे देंगे यहाँ से आगे सरकार को, क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही, सरकार तो अपने जो एक रूल है उसको, गाइडलाइन को फॉलो करती है। वोट शक्ति में इतना अधिकार है कि एक मिनट में बदल देगी सरकार। हाँ, वित्तविहीन जो स्कूल हैं उनके संपर्क में बहुत गार्जियंस रहते हैं। एक स्कूल में 500 से 1000 तक बच्चे पढ़ते हैं और सब गार्जियंस उनके अटैच में रहते हैं, तो बदल तो आ देगी। तक स्थिति पहुंच रही है, बिल्कुल स्थिति पहुंच रही है। बीजेपी को जाना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट शिक्षक सड़क पे आ गया है, बीजेपी तक बात आ गई। क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं भाई साहब, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, जनता परेशान है, शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान है, जब मजदूरों को 500। आप भी स्कूल संचालन करते हैं क्या? कहाँ पर स्कूल संचालन? श्री प्रताप सिंह इंटर कॉलेज अकबरा में। अच्छा, क्या स्थिति बनी हुई है जब से लेके 2020 से और अब तक? टीचर बेरोजगार बैठे हुए हैं बेचारे, खाने के लिए परेशान है, पैसा नहीं मिल रहा है। भाई फीस हमारे पास आएगी तभी तो हम देंगे बच्चों को, जब हमारे पास फीस नहीं आएगी हम टीचरों कहाँ से दे देंगे, बताओ। उनको हमसे बेरोजगारी क्या क्या मानते हैं, क्या मानते? जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकारें जो अपना कानून चला रही हैं, बच्चों को बिना पढ़े बिना लिखे पास कराती जा रही हैं। कभी सरकार ने ये सोचने की कोशिश करी कि जो बच्चा आ सीखा, जिसको शब्द सीखने चाहिए थे वो स्वर में पहुँच गया, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे लैंग्वेज आएगी उसकी, कैसे किताबें पढ़ेगा, जब वो किताबें ही नहीं पढ़ेगा, पास होता जाएगा तो इस देश का भविष्य कैसे निर्माण करेगा, इस भविष्य देश के भविष्य का? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। क्या पास होने से, सिर्फ पास होने से का देश का भविष्य सुनहरा होगा? क्या वो राजनेता बन पाएंगे, क्या कलेक्टर बन पाएंगे, क्या डॉक्टर बन पाएंगे, क्या साइंटिस्ट बन पाएंगे? इस पर कभी भी कोई सरकार, कोई विधायक, कोई MLC कोई भी विचार नहीं करता है। और आज आप देख रहे हैं कि कम सैलरी में वित्त विहीन का ही एक टीचर ऐसा होता है जो बढ़िया एजुकेशन देता है, उसके बावजूद आप देखिए कि उनको क्या मिला कोरोना काल में, एक पैसे की उसे मदद नहीं मिली, उसे ठेल लगानी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, सारे कार्य वो करने पड़े जो उसके विपरीत दिशा में ले जाते हैं उसे। और आप सोचिए इस तरीके से अगर सरकारें काम करेंगी तो इस देश के भविष्य का क्या होगा? बिल्कुल, क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ तो ज्ञापन देने आए हैं लेकिन सरकार तक बात आ गई, सरकार को इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा इस तरह की? देखिए आदरणीय करतार जी, आप ये देख रहे हैं, आप ऐसे चौथे स्तंभ में हैं जो जनमानस की आवाज़ को यहाँ से लेकर सरकारों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे शिक्षक विधायक आदरणीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी जिन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं पूरे विधान परिषद में, इन्होंने उस समस्या को रखा कि आज जिन कॉलेज को, मैं बिल्कुल, हो सकता है कि किसी को बुरी बात लगे, जो सरकार की बात है, आपने सरकार तक बात आ गई है, लोग किसी अपने शासक, अपने नियंत्रणकर्ता से उनके अत्याचारों को जब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमताएँ होती हैं। आज वर्तमान सरकारों ने, प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, शिक्षकों से लेकर किसानों से लेकर किसी की भी आवाज़ को सुनना बंद कर दिया। उनका केवल केंद्र ध्यान यह है कि सत्ता के पर काबिज रहें साम दाम दंड भेद नीति से। और आप देख रहे हैं कि आज शिक्षकों की, आज बच्चों के भविष्य के साथ साथ विद्यालय बिकने की कगार पर आ रहे हैं, अपनी बिजली तक का बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब, और ताज्जुब की बात यह है कि जो CBSE के विद्यालय हैं उन विद्यालयों में
या क्रिश्चियन सोसाइटी के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में लगातार फीस लगातार आ रही है और यहाँ पर ना तो कोई आर्थिक सहयोग है, न जनता ने और सरकार ने उनका मानदेय की भी बात की शिक्षकों की, वो भी नहीं हो पा रहा है। और कुल मिला के यह है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जाएंगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा और लाखों की संख्या में हो रही चुनावी रैलियों पर वायरस दूर भाग जाता है। और इन ये बड़ी बहुत गहन अध्ययन की बात है, इसलिए मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि समय पर सरकारों को सद्बुद्धि मिले, जनमानस की भावनाओं की बात सुने, तब ये काम बने, बाकी जनता बहुत पीड़ित है। बिल्कुल, जनता बहुत पीड़ित है क्योंकि मानदेय की बात हुई थी, सरकार ने मानदेय भी वित्त विहीनों को नहीं दिया और क्योंकि स्थितियां अब कोविड से लेकर अब तक की ये बनी हुई है कि स्कूलों को बंद भी अभी तक रखा है और जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार भी साफ तौर पर कहा गया है कि 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो आज सभी वित्त विहीन स्कूलों ने मिलकर आज ये संयुक्त निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों के हित में। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का रुख क्या होता है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।